सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया है कि ये वीडियो नवोदय विद्यालय एडमिशन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया भी है, जिसकी लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है, तो उसको भरने के लिए दोस्तों ऑनलाइन किस पोर्टल पे जाना है, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसी में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग इरिटेट हो जाएंगे वीडियो देखने में। मैं स्वाभाविक है कि कोई भी बंदा नहीं चाहता, कोई भी चाहता है कि दो चार मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, तो मैं यही कोशिश करूंगा। लेकिन जी हाँ, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसमें तो लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं भर के तो बताऊंगा नहीं, आपको चीज़ें बता दूंगा, आपको एग्जैक्ट क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या आपको वहाँ पर भरने होते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, स्किप मत करना। समझ गए आप लोग कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है? जवाहर नवोदय विद्यालय जो है पूरे भारत में केंद्र सरकार की एक संस्था के लो, या केंद्र सरकार का एक, जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं इसी तरह से एक नवोदय विद्यालय होता है, तो क्लास 6 में एडमिशन जब होता है तो 6 से लेकर के 12 यानी कि इंटर तक सरकार खर्चा उठाती है बच्चे का, जिसका एडमिशन हो जाता है उसके अंदर, उसमें फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ट्यूशन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी, तो जिसका उसमें हो जाता है तो उसकी करियर के लिए उसको काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है। और जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं भी दोस्तों गरीब फैमिली से ही, मीडियम क्लास फैमिली से ही, मीडियम भी क्लास नहीं कह सकते दोस्तों, मेरी कुछ खासा इनकम नहीं है, आप पीछे मेरे बैकग्राउंड को देख सकते हैं, मैं सिंगल एक रूम में दिल्ली में रहता हूँ और रेंट पर रहता हूँ, और यहीं से अपना जो भी है थोड़ा जॉब भी करता हूँ साथ के साथ, इस पर भी टाइम देता हूँ ताकि मैं आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, नॉलेज वाली वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ, ताकि आप लोगों को किसी साइबर कैफे वालों के चक्कर में ना फंसे, वहाँ पैसे बर्बाद ना हो, आप अपने आप भी घर बैठे मोबाइल से भी कर सकें। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और फॉर्म भरने का स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, और किस पोर्टल पे कहाँ से करना है सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में, मोबाइल के ही स्क्रीन में ले जा करके बताऊँगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो यारों नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं फटाफट से मोबाइल के स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको जो है जवाहर नवोदय के लिए जो है अप्लाई करना है, क्लास 6 एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो फटाफट चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में हम आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कि नवोदय विद्यालय के जो एडमिशन हो रहे हैं क्लास 6 के लिए 2025-26 सेशन के, वो किस तरह से फॉर्म भरने हैं और क्या क्या उसमें जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप फटाफट जाइए और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ और क्या क्या ऑप्शंस उसमें आते हैं और क्या क्या आपको डिटेल्स की जो है ज़रूरत पड़ सकती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी दबा लें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखते रहने के लिए। तो आइए, मेरे पास एक लिंक आया हुआ है ऑलरेडी, वैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हो ये वाला, यहाँ पर navoday.gov.in पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो वेबसाइट पे, और यहाँ पर एक मेरे पास लिंक है, ये मेरे पास आया हुआ है, स्कूल की तरफ से आया था, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म भरने का प्रोसेस आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो है आगे बढ़ूँगा, तो आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय के पोर्टल पर हम आ गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, और यहाँ पर बहुत सारे लिंक हैं, तो सबसे पहला लिंक है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNBST 2025-26, तो इस पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब इसमें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या डालना है वो पहले आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला ऑप्शन है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5 प्रायर और सेशन 2024-25, यानी कि इसमें पढ़ रहा है या ऑलरेडी पास हो गया है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है नो कर देना है इस ऑप्शन को, कि हमारा जो है बच्चा अभी पढ़ रहा है, और ये मैंडेटरी भी, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा पास हो चुका हो, तो यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है।
द कैंडिडेट हैज़ अपियर इन अर्लियर, यानी कि आपने जवाहर नवोदय के लिए जो है पहले भी टेस्ट में अपियर हुए हैं, पहले भी टेस्ट दिया है आपने, तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यानी कि इनका जो प्रोस्पेक्टस होता है वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आपको कर देना है येस। इसके बाद आपको यहाँ पर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंस एंड क्लास 5, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है येस नो करना है, यानी कि आपको जो पढ़ रहे हैं वो और आप जो आपका जो है रेजिडेंस यानी कि रह रहे हैं जहाँ पर रहते हैं वो सेम जिला है कि नहीं, तो हमारा सेम है तो येस करेंगे। इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड मास्टर, जो मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि हेड मास्टर यानी कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर अटैच होना चाहिए स्टैम्प के साथ, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा जब डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करेंगे। हालांकि मैं आपको बस भरना बताऊंगा पूरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ फॉर्म, तो यहाँ पर आपको कर देना है येस। इसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर वेदर द कैंडिडेट हैज़ बिन प्रमोटेड, यानी कि पास हुआ है, ठीक है, 2024 में येस पास होकर के आया है चौथी से पाँचवीं में। इसके बाद डू यू हैव आधार, येस आधार है। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करते ही एक OTP जाएगा, तो मैं यहाँ से अपना जो आधार नंबर मैं देख लेता हूँ, बच्चे का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जो है आधार नंबर निकाल लेता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने अपना रखी हुई है तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, 3356 58, ध्यान से आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पे ये जो है OTP जाएगा एक, तो ये कई बार इनवैलिड बता देता है, तो यहाँ पर आपको लिख के रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मुझे याद हो गया है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर भर दूँगा और इसके बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते ही रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पर जो है आपको डाल देना है, मैंने घर पे बोल दिया है कि एक OTP आएगा तो वो OTP जो है भेजना है, वो मैंने घर पे बोल दिया है, तो मेरे पास अभी OTP आ जाएगा, प्लीज़ एंटर OTP, मैं व्हाट्सएप पे डाल भी देता हूँ। जैसे ही OTP यहाँ पर आता है, OTP हम डालेंगे, फिर अगला फॉर्म जो है भरने का प्रोसेस आपका ओपन हो करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मे बी ऑनलाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है मैसेज भी डाल देता हूँ, चलो आ ही गया, OTP मेरे पास आ गया है 5945, तो यहाँ डालना है 5945, इसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 इन जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। मैं आपको बस बता देता हूँ यहाँ नीचे तक आपको सारी चीज़ें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डलेगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ पर आपको यूनियन टेरिटरी दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं तो अपना स्टेट वहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, कौन सा ब्लॉक लगता है आपका, तो यहाँ पर रोहिणी नॉर्थ वेस्ट मेरा लगता है ब्लॉक। इसके बाद यहाँ पर उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कक्षा इसमें पढ़ रहा है, यहाँ पर आपको उसका जो है उस स्कूल का आपको उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर उस स्कूल का नाम आपको एंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर ये नाम ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गई है, फादर नेम आ गया है, ठीक है, और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गई है ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पर नेशनलिटी, जेंडर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है, एड्रेस भी आ जाता है, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आधार का इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर होगा, देख सकते हो मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर
अगला है दोस्तों ईमेल आईडी, और इसके बाद यहाँ पर आपको मदर का नाम डाल देना है, जो भी मदर का नाम है वो मदर का नाम डलेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ गार्जियन का नाम, आप मम्मी पापा में से किसी का गार्जियन का नाम डाल सकते हो, बच्चे के मम्मी पापा का। इसके बाद उस गार्जियन से क्या रिलेशन है वो यहाँ पर डालना है इस बॉक्स के अंदर इसमें। इसके बाद यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, इसके बाद ऊपर चलेंगे और, तो मैंने बताया था कि नेशनलिटी ऑटोमेटिक आ गया है, जेंडर आ गया है, एड्रेस आ गया है, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ मैं। इसमें दोस्तों कोई भी बच्चे के शरीर पे कोई ऐसा निशान जो परमानेंट हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी में जनरल है, एससी एसटी ओबीसी, जनरल है हम जनरल डालेंगे, आप एससी एसटी में जो भी आते हैं तो वो डालेंगे, फिर उसका आपको प्रमाण पत्र वगैरह भी बाद में मांगा जा सकता है। तो यहाँ तक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है मीडियम एग्जामिनेशन, तो आप इंग्लिश हिंदी किस मीडियम में देना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करें हिंदी या मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी करना है। उसके बाद आपको इस टेलीफोन एसटीडी वाले में कुछ नहीं करना है, इसको आपको जो है इसको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं कर भरना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिजेबिलिटी यानी विकलांग है बच्चा अगर है तो यस करना होगा, मतलब किस तरह का ऑर्थोपेडिक है या विजुअल है या हियरिंग, मतलब कि सुनने में परेशानी है, या नन है तो नन करना है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर जैसे आप यहाँ पे कुछ डालेंगे तो परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा परसेंटेज डालने कितने प्रतिशत विकलांग है। इसके बाद यहाँ पर आपसे रिलीजन पूछ रहा है, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देख सकते हैं हिंदू इस्लाम क्रिश्चियन सिख बुद्ध जैन और भी अदर्स वगैरह और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो हमने हिंदू सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू डालें, मुस्लिम है मुस्लिम डालें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने एक बताया भी था, इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरी है, परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन नंबर, जो कि मैंने बताया था 11-12 डिजिट का होता है, जो कि आपको अपने स्कूल के क्लास टीचर, बच्चे के क्लास टीचर से ले लेना है। इसके बाद एनुअल इनकम में डाल देना है आपको, 1 लाख से कम ही डालना बेटर रहेगा, 90, 95, 96, 1 लाख भी डाल सकते हो, 96,000 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें ज़रूरी डिटेल्स भरनी है, कक्षा 3 का 4 का और 5 का यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यानी कि गांव का नाम, यानी कि अपने एरिया का नाम, इन तीनों में सेम आएगा, इसमें यहाँ पर इसमें 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 लोकेलिटी आपका एरिया का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, देख सकते हैं लिखा भी हुआ है यहाँ पर स्कूल का नाम, ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, अननोन रिकॉग्नाइज्ड 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 पे ऑटोमेटिक रहेगा ये। इसके बाद स्कूल का लोकेशन, स्कूल की स्थिति, अर्बन है रूरल है, तो अर्बन है तो अर्बन करेंगे, फिर तीनों में सेम आ जाएगा, तीसरी चौथी पाँचवीं, तीसरी चौथी सब में सेम आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ईयर, मतलब कि कौन से साल में इसने ज्वाइन किया है तीसरी क्लास में, तो यहाँ पर 2022 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 23-24 क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर 23 आ जाएगा, फिर एग्ज़िट का जो है यहाँ पर पास आउट का 24 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने भर ली। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये अंडरटेकिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में येस नो किया था ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक शपथ पत्र है पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा, और फिर लास्ट में हम आते हैं तो डॉक्यूमेंट पे आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ये वाला, ये बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, और यहाँ साइज़ भी बताया गया है, जैसा मैंने पहले बताया भी था, 10 से 100 KB के बीच में रखना है ये वाला बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके बाद सेकेंड में आ जाएगा बच्चे का सिग्नेचर, देख सकते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर साइज़ यहाँ पर पूछा गया है 10 से 100 KB में ही रखना है, आपको बताया गया है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट पेरेंट्स का सिग्नेचर, यहाँ पर साइज़ 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। अपलोड कैसे करना है तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट हो गए, ये लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट, चूज़ फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके आपको
अपलोड कर देना है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर करेंगे, फिर आपको एक ऑप्शन आएगा सेव एंड प्रीव्यू पे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर ये फॉर्म आपके सामने सारा भरा हुआ सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ वो डिटेल। ये इस तरह का सर्टिफिकेट जो है, ये होता है सर्टिफिकेट जो हेडमास्टर के तरफ से फॉर्म भर के और साइन करके मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल के साइन मोहर वगैरह लगे होंगे और बाकी में बच्चे का सारा डिटेल होगा, फ़ोटो होगा, सारा आधार नंबर होगा, पैन नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी, पैन का नंबर का वो मतलब नहीं दोस्तों, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो कि मैंने बताया भी, इनकम होगी मीडियम होगा, वही तीसरी चौथी पाँचवीं का इन्फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ से भी भर सकते हो, जब भरोगे तो ये पहले आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप यहाँ से भरोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है पेरेंट्स का साइन होगा, बच्चे का साइन होगा, ये सारा चीज़ करने के बाद यही सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड होगा जो कि अभी मैंने बताया था। यहाँ पर लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट यहाँ पर, इसका साइज़ दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि वो बड़ा पेज है, 50 से 300 KB के अंदर में साइज़ इस पर अपलोड हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आपको मैं सक्सेसफुली जो मैंने भरा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कैमरे में ले जा करके, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस मानवी, योर एप्लीकेशन फॉर सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये क्रिएट हो गया है, और प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहीं पे आ जाएगा ऑप्शन। जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म जो निकलता है सबमिट करने के बाद वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं वो फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, मेरे इसमें सेव किया हुआ, वैसे मैं ढूँढूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ से बैक चलते हैं और डाउनलोड में मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड में ज़रूर होगा यहाँ पर फॉर्म, ये है NBS मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह का एक PDF आपको जो है निकल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किए हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पेरेंट्स का सिग्नेचर हो गया, इसके बाद यहाँ पर जो है बच्चे का सिग्नेचर हो गया, और ये सर्टिफिकेट हो गया, स्टडी सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। बाकी ये सारी डिटेल देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसके बाद ऊपर चलेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि हमने भरा था, और साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट जो हो जाता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नवोदय का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाए, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है आसान भाषा में क्या क्या आपको डिटेल लगेगा। और मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, एक जो है वो पैन नंबर किस तरह का होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैडम के आए थे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, ये रहा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये पोर्टल जो होता है, ये यहाँ पर देखिए UDISE+SDMS ये करके कुछ होता है पोर्टल, जिसपे जो है स्कूल के टीचर प्रिंसिपल वगैरह का जो है यहाँ पर प्रोफाइल बना होता है। तो यहाँ पर उसका बच्चे का डाटा यहाँ पर जो है वो रखा जाता है, मैनेज किया जाता है स्कूल के बच्चों का। तो ये यहाँ पर पैन नंबर ये इस तरह का, कितने डिजिट का है, 2, 4, 6, 8, 10, 11 डिजिट का, मैंने बोला था ना 11-12 डिजिट का जो है होगा। तो देखो बच्चे का नाम मानवी और मैंने आपको दिखाई दिया था, सक्सेसफुली सबमिट किया था वो मैंने आपको दिखाई दिया है। आपको यकीन ना हो मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैंने यह ताकि बच्चे का ये देख सकते हैं नाम मानवी और मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो यहाँ पर इसका सक्सेसफुली जो है सबमिट हो गया है, यहाँ पर नवोदय का पोर्टल भी आप देख सकते हो ऊपर आया है, फ़ोटो खींचा है तो नवोदय विद्यालय समिति भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और का फ़ोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव और टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।